नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम दोस्तों इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और वो ये है कि हम आज अपनी किताबों से ड्राफ्ट 2A को कैसे मैच करें। दोस्तों बहुत समस्याएं हैं कि हम अपनी परचेजेस बुक कर लेते हैं और जो हमारे सप्लायर्स हैं वो अपने GSTR1 में उनकी सप्लाईज डालते हैं जो कि हमारे ड्राफ्ट 2A में आते हैं। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड और भी किया था जिसमें हमने ये बताया कि इसके लिए नोटिसेस भी आ रहे हैं। नोटिसेस भी आपने 3B में जो क्रेडिट लिया है और आपके ड्राफ्ट 2A में जो क्रेडिट आ रहा है उसमें मिसमैच है, तो हमने उसके सॉल्यूशंस, उनके कारण सब बताए उस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों कि अपने ड्राफ्ट 2A को मैच कैसे करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से। बहुत ही सिंपल प्रोसेस बनाने की कोशिश की गई है, आप सुनिए जरा। दोस्तों तीन तरीके हैं। पहला, आप अपने पोर्टल पर ड्राफ्ट 2A व्यू कर सकते हैं अगर आपके 500 से कम इनवॉइसेस हैं। तो अगर 500 से ज्यादा इनवॉइसेस हैं तो आप ड्राफ्ट 2A व्यू नहीं कर सकते। अगर कम है तो व्यू कीजिए, कंपेयर कीजिए, पता लगा लीजिए। दूसरा तरीका है आपके पास एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का, वो चाहे आप 500 से कम है इनवॉइसेस, आपके 500 से ज्यादा है। तीसरा तरीका है जेसन फाइल, JSON फाइल डाउनलोड करने का, चाहे 500 से कम है या 500 से ज्यादा है। एक्सेल फाइल तो आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं और मैच कर सकते हैं, अपना सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जेसन फाइल से ड्राफ्ट 2A आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कैसे मैच हो, तो एक तरीका जो हमें समझ में आया, अगर आपके पास टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, दिस इज वन ऑफ द वेज टू यूज जेसन फाइल। अगर आपके पास टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप क्या करो, इसमें तीन बातें, तीन स्टेप्स हैं हमारे, और उन तीन स्टेप्स से पहले एक प्री कंडीशन है दोस्तों इस प्रोसेस को करने के लिए। वो कंडीशन ये है कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका जीएसटी इनेबल्ड होना चाहिए। मतलब आप जो भी अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, परचेज की चाहे सेल की, उसमें जीएसटी से रिलेटेड जितने भी लेजर्स आप यूज करते हैं वो इनेबल्ड होने चाहिए, जाके इनवर्ड सप्लाई परचेज करते हुए आपकी परचेज डिटरमाइंड होनी चाहिए कि वो कौन से ग्रुप में क्लासिफाई होगी। जीएसटी जब आप अपना इनपुट ले रहे हैं तो वो क्लासिफाइड होना चाहिए कि कौन से स्पेसिफिक ग्रुप में जाएगा। तो जीएसटी इनेबलिंग होना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद पहला स्टेप है, आप अपने लॉगिन पर पोर्टल पर जाइए, लॉगिन कीजिए, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, आप सर्विसेज को सेलेक्ट कीजिए, वहां पर रिटर्न डैशबोर्ड नजर आएगा। रिटर्न डैशबोर्ड में आप कोई भी स्पेसिफिक मंथ सेलेक्ट कीजिए, मान लीजिए जुलाई 2018। उस जुलाई 2018 जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक टैब नजर आएगा GSTR 2A का। उसमें दो नीचे टैब नजर आएंगे, एक आएगा व्यू का, एक आएगा डाउनलोड का। व्यू का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम बात कर रहे हैं डाउनलोड का। डाउनलोड का जब आप उस टैब क्लिक करेंगे तो आपके पास दो फर्दर टैब नजर आएंगे, पहला आएगा एक्सेल फाइल डाउनलोड का और दूसरा जेएसएन फाइल डाउनलोड का। आपने कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है? यस, जेएसएन फाइल डाउनलोड करनी है। जेएसएन फाइल डाउनलोड कीजिए, उसको एक स्पेसिफिक जगह पर सेव कर लीजिए और उस पाथ को याद रखिए, हमने जुलाई 2018 की फाइल डाउनलोड की। अब आइए आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, डिस्प्ले में जाइए, स्टैचुरी रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिए, जीएसटीआर 2 पे क्लिक कीजिए, और 2 पे क्लिक करते ही आगे आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा महीना दोस्तों, जुलाई 2018। जुलाई 2018 सेलेक्ट कीजिए, विंडो नजर आएगी, राइट साइड पे लोड फाइल की एक टैब नजर आएगी, राइट साइड मिडल में एक लोड फाइल की टैब नजर आएगी, लोड फाइल पे क्लिक कीजिए, आपको वो सीधा ले जाएगा पाथ सिलेक्शन पे। जो पाथ आपने सेव किया था, जहां पर वो फाइल जो लॉगिन करके पोर्टल से डाउनलोड करके सेव की थी, उस पाथ को सेलेक्ट कीजिए, उस पाथ को कॉपी कीजिए और टैली में जहां पर लोड फाइल करने के बाद जो आपको लाइन नजर आई, पाथ नजर आया, वहां पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए टैली में कंट्रोल वी यूज नहीं होता, ऑल्ट कंट्रोल वी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करेंगे अगला सवाल आपसे पूछेगा क्या आप अपने इनवॉइसेस की रिकंसिलेशन चाहते हैं, आप कर दीजिए यस। दो ऑप्शन है, यस और नो, तो आप कर दीजिए यस।
जैसे ही आप यस करेंगे दोस्तों, आपके इनवॉइसेस के लिए कैंसिलेशन हो जाएगी। बी टू बी, क्रेडिट नोट, निल रेटेड, ये सब क्लासिफिकेशन वाइज आपके इनवॉइसेस की रिकंसिलेशन हो जाएगी। वहीं आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कंप्लीट, नॉन कंप्लीट। कंप्लीट जो है वो तो कंप्लीट है, मतलब रिकंसिलेशन कंप्लीट है, लेकिन नॉन कंप्लीट में आप फर्दर एनालाइज कीजिए कि किस कारणों से आपकी रिकंसिलेशन नॉन कंप्लीट है। वो कारण या तो डेट डिफरेंट होगी, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, आपका इनवॉइस नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, इनवॉइस नंबर डिफरेंट से भी नॉन कंप्लीट होगा रिकंसिलेशन, आपका GSTN गलत हो सकता है। तो इन सब कारणों से और फर्दर कारणों के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो का यूट्यूब में लिंक जो है इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाला भी है, पेस्ट भी किया है। इन कारणों से आपकी वो जो रिकंसिलेशन है वो नॉन कंप्लीट हो सकती है। जो कंप्लीट है वो प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, जो नॉन कंप्लीट है उसके ऊपर आप करेक्टिव एक्शन लीजिए। हमारे जो ऑडिटर दोस्त हैं इस समय जो कि ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है दोस्तों कि उनकी किताबें जो ऑडिट होने के लिए आई हैं उसमें जो परचेजेस हैं और एक्चुअल जो ड्राफ्ट 2MA पोर्टल पे जो परचेजेस हैं उन दोनों में वो डिफरेंस भी वर्कआउट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने क्या लेना है। दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।